हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो आज हम जा रहे हैं म्यूनिख, जहाँ पे हम विज़िट करेंगे म्यूज़ियम और वहाँ बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हम देखेंगे। एंड देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे रहने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। ब्रेकफास्ट में आज पोहा बना था, बाकी लंच में हम रोल लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं आज दिन कैसा रहने वाला है, तो बने रहें और चलते हैं अभी फटाफट से। तो दोस्तों देखो आज कितनी ठंड है भाई, माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ देखो सारे कोरा ही कोरा है। सो अभी हम ट्रेन में हैं और ये बहुत पुरानी टाइम की ट्रेन है, सब बैठे हुए हैं। वही रहेंगे ऐसे समय की तो स्नोमैन बन जाएंगे। बस बाहर तो भाई घर कुछ ही बाहर से माइनस कोरा कोरा हो रहा है, कोरा ही कोरा। सर ने कहा सुरीला मौसम होगा अभी थोड़ी देर में, तो अभी हम सुरीले मौसम का आनंद लेंगे जब धूप आएगी। फिलहाल अभी हमें बहुत ठंड लग रही है। अभी अंदर तो वैसे ठीक होता है पर बाहर। चलो अब हमारी 22 मिनट्स की जर्नी है, फिर हमें एक और ट्रेन चेंज करने का कनेक्शन। यार इसके ग्लव्स ना मार, सुबह इस खाने से नहीं हट रही है ये देखो बंदी। सुबह से इसे रोल पकड़े हैं, पता नहीं 3-4 कदम कर बाल में पता नहीं क्या करी जा रही है। सो गाइस अभी ऐसे भाग भाग के हम आए हैं क्योंकि उसे एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन तक आना बड़ा मुश्किल था, बहुत तेज़ आए भाग भाग के क्योंकि एक मिनट था हमारे पास सिर्फ, दौड़ के लेकिन हम पहुँचे गए टाइम से और अभी बैठे हैं। अब हमारा 1 घंटे का सफ़र है, उस वक्त हम पहुँच जाएंगे शायद वहाँ पर म्यूनिख। हम जाएंगे म्यूजियम देखने, जिसके मैंने आप सभी को बताया, बने रहिए मेरे साथ और आपको भी घुमाते हैं आज यहाँ पर हम जा रहे हैं। सो गाइस 3 आवर्स के ट्रेवल के बाद अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। अब हम जाएंगे म्यूजियम देखने। अभी हम हैं स्टेशन पर और यार अब कसम से 9 बजे के निकले हुए हैं और 12:15 हो गए हैं, तो ऊपर से वाईफाई भी नहीं चल रहा पता भी आज ना बस में जो दो ट्रेन ली हमने उसमें भी नहीं वाईफाई चला, इतना बुरा हुआ है हमारे साथ आज, फोन भी नहीं चला पा रहे थे। चलो म्यूनिख स्पेलिंग बता MUNIC आगे के एक और है खुद को इनको आती नहीं, कल सर ने ग्रुप पे लिखी ना वहाँ से रटी हुई है इन्होंने स्पेलिंग मेरे को बना रहे हो, ज्यादा बनते रहते हैं कोई कुछ। तो दोस्तों बस बने रहो मेरे साथ और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा तो, और आपको भी घुमाते हैं तो दोस्तों कमेंट्स में बताएं पहले मैं कैसा लग रहा हूँ जर्मनी में, मैंने फॉलो किया मंत्री साहब है मैं कैसा लग रहा हूँ जर्मनी, मैंने हिमाचली ट्रेडिशन बस से रिपीट करने डायलॉग आप एक डायलॉग रट के आ गया बस उसी को रिपीट कर रहा है बदतमीज लड़का। बिल्कुल अनुराग सिंह ठाकुर का चेला लग रहा हूँ। सी गाइस अनुराग सिंह ठाकुर का चेला नहीं तो वही लग रहा है तू कस्टम से। पहुंच गए हम म्यूनिख, हम लैंजरीना नहीं जाएंगे पर क्यों जा रहे हैं म्यूजियम। चलो अब कहीं तो जा ही रहे हैं, म्यूजियम भी अच्छी जगह है पर लैंजरीना भी जाना था पर वहां आज मैच है इसलिए नहीं जा पाएंगे। ओहो म्यूनिख। हेलो एवरीवन, तो कंचन गई है वहाँ, जाओ बोलती रहती है कि मैं जा रही हूँ बार 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 बार, तो काफ़ी व्यूअर्स से कंप्लेंट आ रही थी कि ये फ्रंट कैमरा ही ऑन रखती है और सिर्फ अपनी शक्ल दिखाती रहती है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाता हूँ। पड़ेगा ये है म्यूनिख, अब मैं म्यूनिख बेरनहॉफ के आसपास, बेरनहॉफ का मतलब होता है स्टेशन, और थोड़ी देर बाद हमारा यहाँ से एक और कनेक्शन है, वहाँ से हम जाएंगे म्यूजियम का। आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। अच्छा तो आप लोग बोल करो भाई। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस वाज माय चैनल एक्चुअली।
उसने ये मेरे से सारा कंटेंट छीन दिया है और ये हम म्यूनिक पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप टिकटॉकर भाई आना चाहिए कभी तो कभी यहाँ पे बहुत तगड़ा देख सकते हैं आप, मतलब एकदम तगड़ी फील आ रही है यहाँ पे। सो गाइस बाकी बातें बात। सो गाइज अभी हमारा एक और कनेक्शन है, मुझे अभी पता लगा है। सो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फाइनली म्यूजियम। तो बस चलते थोड़ी देर का ही है, मतलब ट्रैवल अब ट्रेन में जाएंगे, चलते हैं मिलते हैं आप लोगों को अब डायरेक्ट वहीं पहुंच कर। गाइज अब ग्लव्स हट के छत आ चुका है सामने। धीरे क्यों बोल रहे हो? सो गाइज वैसे ये चैनल मेरा था, इसने मेरे से चैनल छीन इतना बड़ा झूठ। सो गाइज आज मैंने सच डिस्क्लोज कर दिया, ये चैनल मेरा था, ये चैनल मेरा था, इसने मेरे बंदा मेरे को सारे व्यूअर्स मेरे महीना नहीं हुआ मिले हुए, इससे बंदा हो रहा मेरे चैनल ले लिए। पर बात ऐसी करो ना साथी जो लॉजिकल हो थोड़ी सी। सो अब हम शायद एक और है हमारी शायद एक और कनेक्शन है गाइस अभी शायद। अच्छा गाइस तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अभी एक और कनेक्शन है शायद, और पता है मैंने कल से अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करी थी, अभी जाके पापा से बात हुई है क्योंकि कल भी हम गए थे तो लेट पहुंचे, तब तक पापा वगैरह सो गए थे, मैं 9 बजे पहुंची थी तो वहाँ उस टाइम 12:30 हो गए थे, तो फिर क्या ही करती मैं उस टाइम कॉल, और फिर सुबह मैंने करी थी तो वो लोग कहीं गए थे तो उनका नेट ऑफ था, तो अभी जाके थोड़ी बात हुई है 1 मिनट की वो भी पापा से, फिर अब जाके अब करूँगी बात या कहीं कनेक्ट होगा तब। बड़ी दुविधा है, चलते हैं। अब नहीं है कोई भी ट्रैवल करने को हमारे, बस अब हम ऊपर पहुंच रहे हैं और हम इसके बाद म्यूजियम ही जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे रहने वाला है। और यार मैंने कल वाला व्लॉग भी अपलोड नहीं करा है, यहाँ पे एक तो नेट ही नहीं चल रहा, अब करूँगी कल वाला व्लॉग अपलोड जहाँ नेट मिलेगा मेरे को। सो टेरिफाइंग सिचुएशन गाइस, और आज इतने दिनों बाद धूप, यहाँ तो तगड़ी धूप लगी है भाई। देखो दोस्तों यहाँ का व्यू क्या देखो भाई, हर कुछ आ रही है यहाँ से कसम से। आप लग रहा हो ना मैं शाहरुख खान। हाँ भाई आप ही तो असली शाहरुख खान। वो तो इसकी कॉपी है, ऐसी छोटी छोटी जर्मनी जैसे शहरों में, ऐसे मेरे को बोलता खुद सोया था मुंह खुला और ऐसा इसकी तरह ही, वो तो नहीं खड़े खड़े सो गए लिंक के, नहीं सोते हूं खड़े खड़े जब सीधे की बात। क्या बकवास बातें करते हैं ना ये निखिल। यार मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को पता है तो मैं बोलता ही नहीं हूं भाई। बोल ले यार प्लीज, हमारे बारे में हमारे से ले एडवाइस इससे नहीं लेनी। मैं नहीं रोकूंगा अगर तुम ना हो या जाओ। चलते हो ऑस्ट्रिया की तरफ, कितना दूर है? गाइज वी हैव रीच द म्यूजियम और अभी हम जाएंगे अंदर और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेगी आज यहाँ पे। आई डोंट नो अंदर वीडियो बना पाएंगे हम या नहीं, बट अगर बना पाए आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑल। सो बने रहे मेरे साथ गाइज। पहुँच चुके हैं म्यूजियम। यो ये है दोस्तों जर्मनी का नंगल डैम। और ये है दोस्तों इंडिया का शेख चिली। क्या बोलिया सुडा नहीं देखो क्या बोलिया ओ पाइरियन इंडी सुपाइरियन 12 मीटर जब 12 मीटर
रोटी खा रही हूँ। सी गाइस इंटेलिजेंट तो है ये, क्यों मैंने पांदी ब्लॉगर जो देखी रहती जर्मनी आऊं जैन में होती जाना नहीं दिया। सो गाइस अभी हमें टिकट्स मिल चुकी है और वी आर वेरी एक्साइटेड। ये देखो सबके हंसते हुए चेहरे, बहुत मुश्किल से स्टूडेंट आईडी देनी पड़ी हमें। सो भी हम देखते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं आज। यहाँ पर इस म्यूजियम में जा रहे हैं ये कुछ भी बोलता है, इतना फोकस नहीं करना आपने इसकी बातों पे और सीरियसली नहीं लेने इसकी बातों पे। सो गाइज हमें स्टैंप लग गई है यहाँ पे और हम पहुँच गए म्यूजियम के अंदर। सो ये है हमारा आइडेंटिटी चिन्ह, आइडेंटिटी चिन्ह आइडेंटिफिकेशन। सो अब हम जा रहे हैं अंदर एंड लेट्स सी। ये देखो वाओ ये देखो दोस्तों, ये जो ये सिलेंडर है ये 9 ये वाला इंजन है। सो गाइस जो ये इंजन है ये है 9 सिलेंडर इंजन और ये वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया गया था हॉर्नेट 9 सिलेंडर में, मतलब काफ़ी तगड़ा है। ओह माय गॉड, इसकी हॉर्स पावर देख सकते हैं आप 1000 HP का था, क्रेजी मॉडल बना हुआ था। सो गाइस ये है वी शेप्ड इंजन और दिस वाज created by placing 2 cylinder banks of BMW 4 in a V shape on a newly designed crankcase. BMW का इंजन गाइस पूरो रेडियल इंजन BMW का, मैं देख रहा कितना डाउन ग्रेड हुआ ये बनाने से गाड़ियों पे आ गए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। सो गाइज ये है फर्स्ट जेट एयरक्राफ्ट और ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ हुआ था। ये देखो ये देखो गाइज वुडन, यस स्टार्टिंग में बनाया हमने तब का होगा। थोड़ी शायद जासूसी जूसूसी कितने ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे पर इनका इन्होंने ऐसा बोला कि एक्सपेंसिव पड़ते थे, इनका कुछ काम था ना कोई वजह से इन्होंने बना बंद कर दिया बाद में। सो गाइस आप देख सकते हैं ये एक ग्लाइडिंग एयरक्राफ्ट का आपके पास वो है डेमो है, तो ये देखो कैसे ये स्टंट मार सकता है ये वाला स्टंट। सो आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे या किसी भी यू कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, ये बहुत ही जबरदस्त पायलट्स के लिए बनाया था उनकी सेफ्टी के लिए भी। और तो ये यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले बन चुका है बट हमारे भी बन रहे हैं काफ़ी सारे हैं। सो गाइज ये देखो यहाँ पे कैसे छोटी से छोटी चीज़ भी कितने अच्छे से संभाल के रखी हुई है। सी दिस देखो इधर आओ कहाँ गया, वाओ गाइज फर्स्ट टाइम जो ये क्रिएट हुआ था रेडियो कंट्रोल मॉडल
हेलीकॉप्टर बाय डाइटर करके कुछ नाम है 1969 में, और ही सेट अ रिकॉर्ड इन जून 1970 व्हेन द हेलीकॉप्टर फ्लू 11.5 किलोमीटर इन अ सर्कल इन 28 मिनट्स। अच्छा 28 मिनट्स में एक सर्कल कंप्लीट करा था 11.5 किलोमीटर का। सो गाइस ये है रॉकेट एंड इट इज़ फिल्ड विद वाटर एंड एयर, ये देखो, और ये यूज़ किए गए थे पहले। मेरी बारी है, तोड़ दिया अनसक्सेसफुल लैंडिंग। और कहाँ जा रहे हो, घास से उड़ाओगे? पता लग रहा है उड़ेगा किस साइड में। मेरी बारी में ये उड़ाने की कोशिश कर रही है, क्रैश ही हो गए। ये देख रहे हैं आप, ये देखो खत्म, बिल्कुल ही डेड ही कर दिया इसने। आपने देखा मेरा कम से कम उड़ा था। फिर से स्टार्ट, अभी फिर से कोशिश कर रही है ये काला वाला है इसके पास उड़ाने के। ये उड़ाया इसने, ये उड़ा, ये गलत डायरेक्शन में, ये देख सकते हैं। और ये देखो खत्म, उड़ाई खत्म, बिल्कुल डेड कर दिया बिल्कुल ही। एक और ट्राई मार रही है, इसको लग रहा है कि उड़ाई देगी, पर लड़कियां कभी। ये देखो खत्म, बिल्कुल डेड, जीरो हो गया। चलो चॉपर उड़ाने की कोशिश कर रही है, मेरे को लगता है ये भी नहीं उड़ेगा। ये उड़ा 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 हर कहीं उड़ा दिया। ओ भाई ये तो उड़ा दिया, मान गए, उड़ा दिया भाई। गाजी ये गया खत्म। गाइस ये खुद उड़ रहा था, हमारे को लगा हम उड़ा रहे हैं, ये हमारा बन चुका है, देखो अपने आप ही, अपने आप ही उड़ रहा है, खुद नहीं उड़ रहा। कहाँ है भाई, खुद उड़ रहा है, देखो देखो उड़ गया, खुद नहीं उड़ रहा। उड़ाना उड़ाना, ये देखो खुद ही। तो चलो, सो गाइस हम सोच रहे थे कि हम उड़ा रहे हैं, बट वो ना खुद दी, वो बस वीडियो क्लिप थी वो एक, और वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जैसे चॉपर, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, वो सब अपने आप ही उड़ रहे थे। हम सोच रहे थे हम उड़ा रहे हैं, बन चुका है हमारा गाइस। ये देखो यार, वाह, जितने भी जर्मन रिसर्चर्स थे उनको यहाँ पे एक टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन दी गई है। मून पे ना, सो गाइस ही इज एडवर्ड वाइट एंड ऑन 3rd जून 1965 ही बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक। सो यार बिल्कुल वही फील दी रही है, सेम है ना। ओए अब तो सीधे हो गए। पीछे पीछे यहाँ हम टेढ़े हुए बिल्कुल इस पॉइंट पे, और यहाँ से आगे चल, यहाँ हम सीधे हो जाएंगे। चलो सो गाइस अभी हम दूसरे सेक्शन में आ गए, और ये हमारे पास माइक्रोस्कोप। सी दिस गाइस, Thank you.
तगड़ी चीज है भाई ये है क्या ना लूपर टेलीस्कोपियो ये तो सब समझ ही रहे होंगे क्या है सभी ने पढ़ा है 10th क्लास में भाई साहब रिफ्लेक्शन सो गाइस इसमें वेवलेंथ का बताया गया है जिसे आप हम देखते हैं कि जो रेड लाइट होती है वो सबसे कम डिस्पर्स होती है ब्लू बहुत ज़्यादा होती है तो आपको कलर उसी हिसाब से दिखेंगे और वो वाला ही अच्छा लाइट इंटेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है ओके और इसकी बहुत कम ब्लू सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होता है ना और रेड देखो एक ही जगह आपको पूरा वो दिखेगा रेड करो रेड ये देखो और ऑरेंज और रेड सो गाइज ये एक्सेलरेशन चैम्बर ऑफ द फर्स्ट जर्मन साइक्लोट्रॉन जो था उसका और साइक्लोट्रॉन कहाँ यूज़ होता है ये बताओ ये बम्बार्डमेंट वगैरह के लिए कहीं कुछ एक्सप्लोजन वगैरह उससे स्पीड वगैरह बढ़ाता है ना इलेक्ट्रॉन अभी बाकी चीज़ें देखते हैं केमिस्ट्री सेक्शन बड़े पुराने पुराने टाइम का सामान है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला सेक्शन है गाइस नहीं बजा सकते भाई बन जाए वो This is hard. भाई साहब हमने देखे भी नहीं है कभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लाइफ में जैसे यहाँ देख रहे हैं सो गाइस अभी हम एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आए हैं और ये कुछ मशीनरी जो यूज़ होती है एग्रीकल्चर में देखो अभी मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ हाँ यार यहाँ खींचते हैं फ़ोटो एक भाई सो हम फोटो खींच लेते हैं फिर अंदर का दिखाते हैं पिग शीप पता नहीं लग रहा है असली कि नकली बिल्कुल असली लग रहे हैं रियल क्या रिव्यूज है फिर कैसे लग रहा है ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है फर्क नहीं लग रहा पता कि असली कि नकली पर असली है तगड़ी मशीनरी है गाइस देखो Thank you.
सॉइल भी गाइस प्रिजर्व करके रखी है इन्होंने, वाटर भी गाइस यहाँ पे सीड्स हैं जितने भी वो भी रखे हैं देखो राइस एप्पल गाइस इस सेक्शन में बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है ये देखो ईयर हमारा फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन करी है इधर बट ये जर्मन में लिखा है तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और मुझे भी बट वी नो हार्ट वाओ द फीट फुट बोन्स गाइस ये थी रील्स इसमें चाहिए आईफोन सबसे राइट वाला 5S मोबाइल फोन 2014 देखो गाइस अभी हम आए रोबोटिक सेक्शन में है नहीं अब इतना ही ये देखो गाइस छोटा ही है ये सेक्शन यार सो गाइस हम पहले दूसरे में चले गए थे ये देखो रोबोटिक सेक्शन Thank you.
गाइस अभी हमें ब्रिजेस वाली सेक्शन में ब्रिज वाली में और अभी हम चल भी इसी पे रहे हैं। क्या हुआ करंट ले चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से नीचे में तो डर ही लग रहा है यहाँ पे। इन्होंने दिखाया है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करे इन्होंने देखो दोस्तों इसको टनल के उस पर ऐसे लग रहा था आइडेंटिटी कार्ड के लिए फोटो खिंचवाई है। गाइस आप देख सकते हो यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये कितनी प्यारी सीनरी लग रही है और ये कुछ यहाँ पे बिल्डिंग है ये भी बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ नीचे हमारे पास पानी है जो चल रहा है ऐसे वेव्स की तरह। सो गाइस हमने म्यूज़ियम घूम लिया है और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है यार। अब हम इसके बाद वापस जा रहे हैं भी हमारे वही 3-4 कनेक्शंस है फिर हम वापस पहुंच जाएंगे अपने क्यों भी आज टीचर्स भी आएंगे हमारे तो उनसे भी मिलेंगे और बस बने रहे मेरे साथ। अभी हम लोग अपना सामान लेने जा रहे हैं लॉकर से उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सो अभी सब वापस आ गए हैं। चेतना कैसा लगा फिर अच्छा आप तो बड़े थके थके से लग रहे हो मेरे को यार। मैंने क्या था ना मैंने हील्स डाली ये थी ना वो और बड़ा चला और बड़ा मज़ा आया बहुत इतनी हील्स तो है नहीं इतनी तो मेरी भी है इसमें थोड़ी मतलब इससे मतलब थोड़ी सी तो मेरे थोड़ा पेन हो रहा है मतलब समझ रहे हो मतलब मैंने आज पहली बार डाली थी मुझे मतलब मैं समझ गई मतलब तो यहाँ पे गए थे हम डॉयचेस म्यूजियम और एक बहुत अच्छी जगह पता नहीं क्या क्या था म्यूजिक का था फार्म का था रोबोटिक्स एरोस्पेस एविएशन पता नहीं क्या क्या इतना सुंदर लुफ्थांसा जिस फ्लाइट में हम आए थे नीचे वो भी लगे हुए थे मैं सोचा था बैठ के उसी में चले जाते हैं। वाह बैठे क्यों नहीं आप ऐसे वापस आने की क्यों सोची आपने आपको बैठना चाहिए था वहीं पे। नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ ना ये इन्होंने थोड़ा मौका सा नहीं दिया मेरे को। सो गाइस वापस आ रहे हैं अब बस अब इसके बाद बॉयज आ रहे हैं फिर वो आ जाते तो डॉक्टर से सामान निकल जाता फिर हम चल पड़ते। सो वी आर हेडिंग बैक टू आवर प्लेस एंड यहाँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखो। सो गाइस अभी हम काफ़ी ट्रेवल करने के बाद फिर से हम बस में जा रहे हैं इसके बाद हम वन ऑफ जाके उतरेंगे फिर उसके बाद हमारा लास्ट कनेक्शन है जहाँ से उसके बाद हमें डायरेक्ट के ओबी पहुँच जाएंगे। तो आज बहुत टायरिंग डे था अब जाके हम करेंगे डिनर और देखते हैं आज डिनर में क्या बना होगा बाकी मिलते हैं आप लोग वहीं पहुँचेंगे के ओ बी बने रहे हमारे साथ और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मेरा आज। सो गाइस हम घर पहुँच गए और खाना रेडी हो चुका है ये है हमारे राइस वो उधर रायता बाकी अंकल क्या बनाया आपने आज। हाँ जी मैं बना रहा हूँ बना रहे हो भी क्या बनाया क्या बोलते हैं तुम्हारा विकास सर ने कह दिया बहुत बढ़िया बना है बस बोलते क्या है तो नाम तो बताओ हमारी साइड तेरा नाम क्या है तेरा नाम क्या तेरा तो नाम ही नहीं जानते अंकल अंकल कंफ्यूज हो जाते हैं अंकल अखिल बुलाते हैं पता है अंकल ठीक है ना ज्यादा क्यों नहीं रखा फिर अखिल नाम निखिल भाई भाई का नाम ये तो वो है साग पालक पनीर तो गाइस कपड़े चेंज करके हम करेंगे डिनर। सो गाइस फाइनली डिनर हो चुका है और काफ़ी टेस्टी खाना बना था बाकी जो हमने सॉरी जो अंकल ने रायता बनाया था ना बहुत टेस्टी था और उसमें उन्होंने बैंगन डाला था और मतलब पता नहीं लग रहा था कि बैंगन डाला इतना अल्टीमेट टेस्ट था ना उसका बहुत अच्छा बना था। बाकी आज हम म्यूज़ियम गए जैसे कि आप लोगों ने देखा था काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम था काफ़ी एंशियंट चीज़ें भी थी वहाँ पे बाकी भी बहुत सारा मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी थी वहाँ और बाकी अभी हम सो रहे हैं
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।